YouTube पर चैनल बनाकर उससे पैसा कमाना चाह रहे हो, बट जब आप कैमरे के सामने वीडियोस रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो वहाँ पर आप कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे हो, और कोई ऐसी वीडियोस आपको मिल जा रही है उसमें आपको वॉइस नहीं ऐड कर पा रहे हो, और कोई ऐसे कंटेंट की तलाश कर रहे हो जिसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़े, अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना पड़े और आपको ना ही फेस कैम आना पड़े, ना ही आपको वहाँ पर वॉइस ऐड करना पड़े, और उस वीडियो को आप यूट्यूब पर अपलोड करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाओ, तो इस वीडियो को आप देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद आप YouTube पर विदाउट फेस विदाउट वॉइस YouTube पर वर्क करके अपने YouTube चैनल को YouTube पर मोनेटाइज कर सकते हो, और ऐसा सिर्फ आप नहीं बहुत सारे यूट्यूबर YouTube पर कर रहे हैं और इस तरह का चैनल बनाकर YouTube से पैसा कमा रहे हैं, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं बहुत ही शानदार अमाउंट YouTube से कमा रहे हैं। अगर आपको भी YouTube से पैसा कमाना है विदाउट फेस विदाउट वॉइस तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना होगा, क्योंकि इसी वीडियो को देखने के बाद आप YouTube से बहुत ही तगड़ी अर्निंग करने वाले हो। सिंपल, आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह आपके लिए वैल्यूबल कंटेंट लेकर आता रहता हूं। तो सिंपल, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है, और मैंने यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया है। अब सब कुछ आपके सामने लाइव दिखाने वाला हूं, कौन बंदा यूट्यूब पर काम कर रहा है और कितना पैसा वो यूट्यूब से कमा रहा है और किस तरह का वो कॉन्टेंट यूट्यूब पर अपलोड कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर ही लिया है, यहाँ पर मैं सिंपल यूट्यूब की एप्लीकेशन को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ यहाँ पर देखो द पीनट बॉय चैनल का नाम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस चैनल पर 8.27 लाख यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पर वीडियोस कितनी अपलोड की है इन्होंने, 688 वीडियोस को इन्होंने अपलोड कर दिया है अब तक, यहाँ पर देख सकते हो, और 688 वीडियोस को अपलोड करके यहाँ पर 8.27 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले आप प्रूफ देख लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि चैनल मोनेटाइज नहीं होता है जो आप बताते हो, तो लाइव आप यहाँ पर देखो, इनके चैनल पर ज्वाइन का बटन इनेबल है, और ज्वाइन का बटन किसको मिलता है, जिसका यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर मोनेटाइज होता है उसी को यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन का बटन मिलता है, और उसको आप इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो इस बंदे के चैनल पर ज्वाइन का बटन इनेबल है। अब जानते हैं कि ये किस टाइप की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल, यहाँ पर मैं जाता हूँ वीडियो के सेक्शन में, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी वीडियोस, और यहाँ पर बात करें शॉर्ट वीडियोस की तो यहाँ पर ये शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, और यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, और इनके दोनों ही वीडियोस पर बहुत ही तगड़ा व्यूज़ आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ज़्यादातर वीडियोस इनकी लाखों में है, और 10 प्लस तो इनकी व्यूज़ आ रही है, ज़्यादातर इनकी 10K प्लस व्यूज़ जा ही रही है हर वीडियोस पर, देख सकते हो आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, ज़्यादातर वीडियोज़ इनकी यहाँ पर वायरल भी है। और अगर बात करें मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ की तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 महीने पहले वीडियोज़ को अपलोड किया था जिस पर कितना व्यूज़ आया है, 3.5 लाख व्यूज़। अब बात करें यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस में, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ शॉर्ट वीडियोस में, और यहाँ पर आप देखो पॉपुलर वीडियोस, यहाँ पर आप देखो 2.2 करोड़ व्यूज़ आया हुआ है इस तरह के कंटेंट पर, जो कि अपने वीडियोस में ना ही फेस कैम है और ना ही अपनी वीडियोस में कोई वॉइस ऐड कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह से वीडियोस को लेकर अपना एक कॉन्टेंट तैयार करके यूट्यूब पर अपलोड करके उस वीडियो से पैसा कमा रहे हैं। बट आप लोग क्या सोचते हो कि इस तरह कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता है, बट यहाँ पर आप देख लो ये बंदा अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके बैठा हुआ है। और बात करिए किस टाइप की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पर मैं इनकी 2.2 करोड़ व्यूज है, इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ ये किस टाइप की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। देखो 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 यहाँ पर वो, अब देखो देखो शॉर्ट वीडियोस में ये क्या कर रहे हैं, क्या होता है सौरभ जोशी होता है, सौरभ जोशी इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनकी वीडियोस उठाकर अपलोड कर रहे हैं, और ये नहीं सोचेगा कि मोनेटाइज नहीं है, मैंने आपको प्रूफ दे दिया स्टार्टिंग में, और यहाँ पर भी आप प्रूफ देख सकते हो, इनके चैनल पर सुपर थैंक्स का बटन तक इनेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव आपके सामने है, और ये क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं अपनी वीडियोस को एडिटिंग करने में वो आपको आगे बताऊंगा। बट आप भी इस तरीके के चैनल बनाकर यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। सिंपल यहाँ पर आपने शॉर्ट वीडियोस देख लिया, अब इस तरीके इनकी शॉर्ट वीडियो बहुत सारी है, देखो देखो सौरभ जैसे वीडियो बना रहे, देखो 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 यहाँ पर आपने वीडियोस देख लिए ना, अब यहाँ पर इनकी लॉन्ग वीडियोस भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पर मैं लॉन्ग वीडियोस पर आ गया और यहाँ पर मैं इनकी वीडियो को प्ले कर देता हूँ और आपको समझ में आ जाए किस तरीके से वीडियो को एडिट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐड आ चुका है तो यहाँ पर ऐड को मैं स्किप कर देता हूँ। देखो देखो देखना अभी
टॉस की असली ट्रॉफी का हकदार। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो अब यहाँ पर आपने देखा ये क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। ये क्या कर रहे हैं अपनी वीडियोस में, दूसरों के वीडियोस तो यूज कर रहे हैं लेकिन उसको फेयरनेस पॉलिसी के थ्रू अपनी वीडियोस को एडिट कर रहे हैं। YouTube का खुद कहना है अगर आप किसी की वीडियोस को भी अपना क्रिएटिविटी लगाकर वीडियो पर YouTube पर अपलोड करोगे तो आपकी वीडियोस YouTube पर स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा। और यहाँ पर इनकी वीडियोस पर कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं आया है और ये अपने YouTube चैनल को YouTube पर ही जो कंटेंट है उसी कंटेंट को अपलोड करके मोनेटाइज किए हुए हैं। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो आपके सामने है। देखो देखो क्या कर रहे हैं, देखो बिग बॉस के घर में आए हो? मालूम नहीं। बिग बॉस के घर में फोन अलाउड नहीं है? आपको नहीं पता? बहुत सारे कैमरा लगे हैं यहाँ पर। अच्छा देखो अब ये क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये दूसरों के वीडियोस को ले रहे हैं और बीच बीच में क्या कर रहे हैं वो मीम जो होता है, मीम जो कॉमेडी फनी मीम होता है उसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। हर 10 सेकंड पे एक मीम यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोबारा से, देखो अपना फोन आप वापस दे दीजिए। अच्छा देखो आप हमारी टीम बता रही थी कि आप दिल्ली में रहते हो और कपड़े खरीदने सूरत जाते हो, तुम्हें कैसे पता चला? देख लिया आपने यहाँ पर सिर्फ दूसरों के वीडियो को यूज कर रहे हैं और सिर्फ क्या कर रहे हैं एक जगह से मीम को लेकर अपने वीडियोस में बीच बीच में ऐड कर दे रहे हैं और लाइव आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ये कंटेंट यूट्यूब पर मोनेटाइज है। और आप भी इस तरह का वीडियोस लेकर किसी भी क्रिएटर का वीडियो लेकर उस वीडियो में मीम बीच बीच में ऐड करके अपना एक कंटेंट तैयार कर सकते हो। बट कैसे करना है वो आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले आप क्या करो यहां पर इस चैनल की अर्निंग देख लो, क्योंकि अर्निंग देखने के बाद ही आप लोग मोटिवेट होते हो इस तरह के कंटेंट पर काम करने के लिए और आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ इस तरह का मैं चैनल बनाऊंगा तो मैं भी यूट्यूब से पैसा कमा पाऊंगा। तो सिंपल यहां पर मैं क्या करता हूं, सीधा आपको ले जाता हूं गूगल क्रोम पर। सिंपल यहां पर मैंने गूगल क्रोम को ऑन कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हो गूगल क्रोम को मैंने ऑन कर लिया है और यहां पर आप देख सकते हो चैनल का नाम द पीनट बॉय चैनल का नाम है और यहां पर आप देख सकते हो इनकी एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग $4K से लेके $63.7K तक अपने YouTube चैनल से अर्निंग कर रहे हैं। किसकी वीडियो को यूज़ करके? जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं उनकी वीडियोस को यूज़ करके अपने एक कॉन्टेंट तैयार कर रहे हैं और इतनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हो आपके सामने है और आप भी कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये अभी तक चल रहा है तो इस बात को बिल्कुल निकाल दो, हर तरह का YouTube पर चैनल मोनेटाइज होता है। जो मैं आपको चैनल दिखाता हूं, जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, वो ऐसा ही चैनल सजेस्ट करता हूं जो कि YouTube पर मोनेटाइज होता है। और एक भी YouTube चैनल अगर YouTube पर मोनेटाइज है तो आप भी कर सकते हो, 100% आप भी कर सकते हो। बट आपको काम करना है और जिस तरीके से काम मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप काम कर लोगे तो आपकी वीडियोस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आप YouTube पर इस तरह का कंटेंट बनाकर YouTube से मोनेटाइज कर सकते हो। मुझे पता है कि आप स्टार्टिंग में YouTube पर आ रहे हो और आप डायरेक्ट वहाँ पर कैमरा फेस नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाया था स्टार्टिंग में, मुझे 2 साल लग गया कैमरे को फेस करने में। तो सिंपल आपको क्या करना है, अगर आप YouTube पर आ रहे हो तो आपको इस तरह कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा वो हो होशियार हो तो डायरेक्ट आप कैमरा को फेस करो और YouTube पर बेस्ट कंटेंट अपलोड करो जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको कॉपी पेस्ट करना ही है तो इस तरह कंटेंट पर काम करो और आप बहुत ही तगड़ा पैसा कमा सकते हो जैसे कि यहाँ पर ये बंदा कमा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इससे कंटेंट तैयार करना है। उसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको जाना है YouTube पर, जैसे यहाँ पर मैं आया YouTube पर और आपको सर्च करना है जिस भी क्रिएटर के आपको वीडियोस लेना है। जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ सौरभ जोशी, अरे यार आप सर्च हो गया ब्लॉग्स, मैंने यहाँ पर सर्च किया सौरभ जोशी ब्लॉग और यहाँ पर देख सकते हो इनका चैनल आ चुका है और यहाँ पर सिंपल आपको इनकी वीडियोस तो आपको देखते ही होगी, मुझे पता है क्योंकि इनकी वीडियोस पर हर वीडियोस पर मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। तो सिंपल यहाँ पर बहुत सारे लोग इनकी वीडियोस को देखते हैं और इनको फॉलो करते हैं, आपको सिंपल इनकी वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड प्रोसेस आपको यहाँ पर नहीं बताता हूँ, डाउनलोड करना आपको खुद ही करना है, आपको डाउनलोड प्रोसेस यहाँ पर नहीं बताता हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। सिंपली आपको इस तरह की वीडियो डाउनलोड कर लेना है और सिर्फ सौरभ जोशी नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनकी वीडियोस भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर सौरभ जोशी की वीडियो को डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब सिंपली आपको गूगल क्रोम पर आना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट टैब को ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है memes.co। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारी मीम्स देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अपने वीडियो अकॉर्डिंग आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, बहुत सारी मीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सिंपली आपको किसी मीम को डाउनलोड करने के लिए उस मीम पर क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है
और यहां पर आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आपको डाउनलोड इन एचडी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये आपकी वीडियोस आपके गैलरी में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, सिंपल आपको फिर से क्या करना है, डाउनलोड इन एचडी इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हो डाउनलोड हो भी चुकी है। अब सिंपल इस वीडियो को एडिट कैसे करना है, आपने वीडियो ले लिया और यहाँ पर मीम ले लिया, अब उस दोनों वीडियो को मिलाकर एडिट कैसे करना है वो आपको दिखाता हूँ। एडिटिंग पार्ट बहुत ज़्यादा मेन है, अगर आप इसमें यहाँ पर गलती करोगे तो आपके वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ सकता है। तो वीडियो को एडिटिंग करना आप सीख लो, तब भी आप यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोज़ को अपलोड करके पैसा कमा पाओगे। सिंपल आपको करना क्या है, आप जिस भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो उसको सिंपली ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ काइनमास्टर, तो सिंपली मैं काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पर मैं काइनमास्टर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको जो फॉर्मेट में वीडियो बनाना है, जैसे वहाँ पर दो फॉर्मेट थी, 16:9 भी था और वहाँ पर 9:16 भी था। आप लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकते हो और शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर सकते हो इस कंटेंट में जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ आपको 16:9 और उसी सेम तरीके से आप यहाँ पर 9:16 रेशियो को भी एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली मैंने 16:9 को सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट के ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, आपने जो क्रिएटर की वीडियो डाउनलोड किया है उस क्रिएटर की वीडियो को मीडिया लेयर में लाना है। तो सिंपली यहाँ पर जाता हूँ वीडियो के सेक्शन में और यहाँ पर इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सौरव जोशी की वीडियो डाउनलोड कर रखा हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुकी है। सिंपल आपको सबसे पहला काम करना क्या है, इस वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्पीड, आपको सिंपली स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी स्पीड को हल्का से यहाँ पर इंक्रीज कर देना है, देखो इस तरीके से, और यहाँ पर कीप पिच के ऑप्शन को ऑन कर देना है, जिसकी साउंड है वो यहाँ पर स्टेबल रहेगी, आपकी आवाज़ ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पर करना क्या है, इस वीडियो पर दोबारा से क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एडजस्टमेंट, आपको सिंपली एडजस्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ब्राइटनेस को हल्का सा इंक्रीज करना है और कॉन्ट्रास्ट को इस तरीके से हल्का सा यहाँ पर बढ़ा देना, देखो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, और सेचुरेशन को भी हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज कर देना है और वाइब्रेंस को भी हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो सौरभ जैसे वीडियो कलर था और यहाँ पर जो कलर है वो चेंज हो चुका है, आपको ये काम बहुत ही ज़रूरी कर देना है, ठीक है। आपको ये काम तो करना ही करना है, इस वीडियो का कलर ग्रेडिंग, उसके बाद क्या करना है, इस वीडियो को प्ले करना है और जहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट है उसके बीच में आपको एक मीम को ऐड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो देखो यहाँ पर आया साइकिल मिल रही है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इसको स्प्लिट कर देना बीच से। अब सिंपल यहाँ पर एक मीम को ऐड कर देना है, यहाँ पर जाना है मीडिया लेयर में और यहाँ पर मैंने मीम की बहुत सारी वीडियो रखी है, तो सिंपल यहाँ पर मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये आ गया मेरा मीम का पार्ट, थोड़ा लंबी वीडियो है तो सिंपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ये आए ये, तो सिंपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ये आ गया मेरे मीम ये, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक करूँगा। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बार, सुनो देखो यहाँ पर आपने क्लिक किया और देख लिया आपने, अब फिर सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसका लेफ्ट पार्ट को सॉरी राइट पार्ट को रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, सेम उस तरीके की वीडियो यहाँ पर बन रही है, देखो आप, मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ एक बार फिर से आपको, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर आया इंटरेस्टिंग पार्ट, सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, मीम को ऐड कर देना है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और ट्रिम एंड स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्प्लिट कर देना है, सिंपल यहाँ पर स्प्लिट करना है और उस पार्ट को उस वीडियो को दोबारा से लाना है मीडिया लेयर में, सिंपल यहाँ पर जाना है और इसी वीडियो को दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पर मैं गया और दोबारा से मैंने मीम को यहाँ पर ऐड कर लिया और जो मीम यहाँ पर सूटेबल लगे उसी मीम को यहाँ पर ऐड कर देना है, ऐसे यहाँ पर देखो ये मीम आ गई, ठीक है। अब सिंपल इस पर जाऊँगा और इसका राइट पार्ट को रिमूव कर दूंगा, देखो देखो मैं सुनाता हूँ आपको, देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर मीम को ऐड कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ जल्दी के मारे आपको, लेकिन परफेक्ट मीम वहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने दो मीम ऐड किया, आपको हर एक 5 सेकंड पे एक कट लगाना है और उसके बाद एक मीम को ऐड करना है और इस तरीके से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। जितनी लंबी वीडियो हो उस हिसाब से आपको मीम को डाउनलोड कर लेना है, बल्क में आपको वहाँ पर मीम मिल जाएगी, memes.co.in पर आपको बहुत सारी मीम मिल जाएगी, उस वीडियो को डाउनलोड करना है और अपनी वीडियोस में जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से एडिट करना है। देखो मैं किस तरीके बताया हूँ, देखो देख लो फिर से।
देखो एकदम परफेक्ट टाइम पे आया ये। देखो देखो इस तरीके से आपको इस वीडियो को एडिट कर लेना है। अगर आप चाहो अपना क्रिएटिव माइंड का यूज करो तो यहाँ पर अपने चैनल का लोगो भी ऐड कर सकते हो और बहुत सारा ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए। अगर आप परफेक्ट एडिटर हो तो अपने वीडियोस को परफेक्ट तरीके से एडिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है। आपको ना ही फेस कैम यहाँ पर आना पड़ रहा है और ना ही वीडियो में वॉइस ऐड करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको वीडियो के एडिटिंग में ध्यान देना है। अगर आप एडिटिंग में सही से ध्यान दे लेते हो तो आपकी वीडियोस यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से वायरल होगी और यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा चलती है। और अगर आपकी ये वीडियो एक भी निकल गई तो आपका एक वीडियो से YouTube पर चैनल मोनेटाइज होने वाला है। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग चैनल देखा, सिर्फ इसी तरीके से वीडियो को एडिट कर रहा है और सौर जोशी की वीडियो को यूज़ करके अपना कंटेंट तैयार कर रहा है और YouTube पर वीडियो को अपलोड कर रहा है और उसका चैनल YouTube पर मोनेटाइज है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख रखा है। और आप भी कर सकते हो, अगर YouTube पर एक चैनल मोनेटाइज है तो आप भी YouTube पर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो इस कंटेंट के हेल्प से। मैं आपको सारा चीज़ एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझा दिया है और आपको सिंपल काम करना है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप अपने YouTube चैनल को कभी YouTube पर मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। सिंपल जो मैं आपको बताऊं उस कंटेंट पर आपको काम करना है। अगर आप काम करोगे तब भी YouTube पर आपको सक्सेस मिलेगी और आप एक हैंडसम अमाउंट YouTube से जनरेट कर पाओगे। अगर आपको इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करना है तो वहाँ पर कैटेगरी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप गलत कैटेगरी को सिलेक्ट कर दोगे तो आपकी वीडियोज वहाँ पर रिकमेंड नहीं होगी जहाँ रिकमेंड होना चाहिए। तो सिंपली आपको वहाँ पर सही कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और इस वीडियो की कैटेगरी रहेगी इंटरटेनमेंट, जो कि यहाँ पर आ रहा है। इस टाइप की वीडियो से कैटेगरी एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करो और इसको यूट्यूब पर अपलोड करो। और यूट्यूब पर अपलोड करने से पहले आपको अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना है, क्योंकि न्यू यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा रीच होती है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको न्यू यूट्यूब चैनल पर काम करना चाहिए, ना कि ओल्ड यूट्यूब चैनल पर। आपको न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है और इस टाइप की वीडियोज को यूट्यूब पर अपलोड करना है। अगर आपको न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखो और अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करो सारी सेटिंग के साथ और इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करो। और वहाँ पर परफेक्ट तरीके से टाइटल ऐड करो, डिस्क्रिप्शन ऐड करो और टैग ऐड करो और परफेक्ट एक थंबनेल ऐड कर दो। मैं आपको 110% कहता हूँ आपकी वीडियोस YouTube पर वायरल होगी और आप अपने एक ही वीडियो से YouTube पर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। सिंपल आपको इस वीडियो पर काम करना है और आपको कोई बहाना नहीं बनाना है, इस तरीके की वीडियो चैनल बनाना है और इस तरह की वीडियो को YouTube पर अपलोड कर देना है। सिंपल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, सिंपली करना क्या है, इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग एक लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो सिंपल आपको वीडियो को लाइक कर देना है और मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह आपके लिए वैल्यूबल कॉन्टेंट लेकर आता रहता हूँ। अगर आपकी इस वीडियो से किसी तरह की क्वेरी है, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मेरी यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे इंस्टाग्राम पर जाओ फॉलो करो और अपने यहाँ पर मैसेज कर दो, मैं आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपका डाटा।